कहाँ 300 350 400 रुपए थे, आज 1000 रुपए पहुँच रहे। कहने को कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर फ्री दिया तो लोग भराएंगे कहाँ से? जो गरीब आदमी आम जनता उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? जो रोज़ की मजदूरी कर रहे हैं, दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत ही है। ये बिल्कुल फेल है, बीजेपी बिल्कुल फेल हो गई। जो हम लोग पुल पे इंतजार कर रहे थे वो पुल मुरझा चुके हैं। अब इस बार समाजवादी पार्टी है 101% साइकिल ही रेस लगाएगी। मेरे तो हस्बैंड जो है वो 1.5 साल से, अब ये कोरोना काल में ये देखिए कि 1.5 साल से वो घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। कैसे देश तरक्की कर रहा है जब आम जनता भूखी मर रही है, तो देश कैसे तरक्की कर रहा है आप बताइए। स्कूल की फीस माफ़ नहीं हो रही, स्कूल टीचर टॉर्चर कर रहे हैं, फीस जमा करो, कहाँ से फीस जमा करें? काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए। योगी जी ने सिलेंडर तो दे दिए, उसके लिए भरने के लिए पैसे भी तो दो जनता को। जनता परेशान है, रोड पर आ चुकी है जनता, कोई एक रोजगार नहीं छोड़ा है। बताओ क्या करेंगे गरीब आदमी? कंपनियों से निकाल दिया गया है कि भाई यहाँ से निकलो, तो बताओ क्या करना चाहिए आप बताओ। हम तो वोट अब अखिलेश जी को देंगे और आप बार बार देंगे। अब मिला टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं इसरार अहमद। हम लोग निकले हैं चुनावी दौरे पर और लोगों से जान रहे हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, इनके रसोई गैस में इनके किचन पर कैसा प्रभाव पड़ा है, और जो मुद्दे हैं इनके ये कैसे देखती हैं और किसको क्या बदलाव लाना चाहती या नहीं चाहती। आपके जो असली मुद्दे हैं यहाँ पर वो क्या हैं, क्या बदलाव लाना चाहती हैं आप? बदलाव तो लाना चाहते हैं, यहाँ पे शिक्षित भी बहुत कमी हो रही है। जैसे कहा गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ शिक्षित होंगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ 4.5 साल में। बल्कि इतनी महंगाई हो गई आज की डेट में, महंगाई मतलब बुरी हालत है। गैस सिलेंडर बढ़ता जा रहा है तो इसके आपके किचन पर कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। कहाँ 300 350 400 रुपए थे, आज 1000 रुपए पहुँच रहे। कहने को कहते हैं कि हमने गैस सिलेंडर फ्री दिया तो लोग भराएंगे कहाँ से? जो गरीब आदमी आम जनता उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? जो रोज़ की मजदूरी कर रहे हैं, दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत ही है ये। मतलब इससे पहले किसको वोट दी थी आप? हमने तो बीजेपी को देखा था एक बार, कि हमने सोचा शायद अच्छा होगा, थोड़ा विकास होना चाहिए, बदलाव आएगा। जिस तरह से विकास पे आई थी बात, वो चीज़ नहीं रह गई। फेल कुछ आपने सोचा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल फेल है बीजेपी, बिल्कुल फेल हो गई। जो हम लोग पुल पे इंतजार कर रहे थे वो पुल मुरझा चुके हैं। अब इस बार समाजवादी पार्टी है 101% साइकिल ही रेस लगाएगी। बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके बावजूद फिर महंगाई भी जा रही है, तो कैसे देख रही हैं इस पर? कैसे क्या देखें आप? ये देखिए इतनी महंगाई हो गई है और उसके ऊपर रोज़गार नहीं है लोगों का। मेरे तो हस्बैंड जो है वो 1.5 साल से, आप ये कोरोना काल में ये देखिए कि 1.5 साल से वो घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी मुझे इतनी भारी पड़ रही है कि बस मत पूछिए। उसके ऊपर ये पेट्रोल, ये सिलेंडर, ये सारी चीज़ें ऐसे महंगी हो रही हैं, इसके साथ सब्जियाँ, मतलब आप ये कहिए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मतलब तो खाने पीने पे कुछ असर पड़ा है महंगाई की वजह से? क्यों नहीं पड़ेगा, खाने पीने पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा ना। सारे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही, लेकिन देश तो तरक्की कर रहा है, देश हित में सब हो रहा है, होने दो। कैसे देश तरक्की कर रहा है जब आम जनता भूखी मर रही है, तो देश कैसे तरक्की कर रहा है आप बताइए। यहाँ पे हर आदमी परेशान है, मतलब हम जैसे लोग, हमारे जैसे लोग हैं जो ना तो अपने बच्चे पढ़ा पा रहे हैं, ना ढंग से खाना खा रहे हैं। अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है कि हाँ भी जाएंगे तो इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि घर में ही बैठो। तो सभी तो परेशान ही है, कहाँ कौन है, देश कैसे तरक्की कर रहा है आप बताइए। आपकी विधानसभा में क्या परेशानियाँ हैं? जैसे आप महिलाएँ हैं, आपके महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के ये मुद्दे हैं, इतनी महंगाई है कि पूछो नहीं। और बाकी हमने सारे लोगों ने मोदी को वोट, एक को वोट दिए थे, बच्चा बच्चा ने, घर घर। अब बदलाव चाहते हैं कि अखिलेश जी। इसलिए मोदी और योगी को आपने वोट दिया था, क्या सोच कर दिया था? ये दिया था, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छे वो हैं अपने योगी जी, अपना अच्छा विकास करेंगे। पर कुछ नहीं हुआ है, परेशान है। स्कूल की फीस माफ़ नहीं हो रही, स्कूल टीचर टॉर्चर कर रहे हैं, फीस जमा करो, कहाँ से फीस जमा करें? काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए, सिलेंडर गैस सब महंगा। अब योगी जी ने सिलेंडर तो दे दिए, उसके लिए भरने के लिए पैसे भी तो दो जनता को। जनता परेशान है, रोड पे आ चुकी है जनता। योगी जी तो कह रहे हैं कि सब बहुत खुश हैं, महिलाओं के लिए हमने बहुत काम कर दिया, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। कोई महिला खुश नहीं है, सब परेशान है, सब रोड पे आ चुके हैं, काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सरकार है, जुमलेबाजी सरकार रही थी और रह रही है। ये झूठ के सिवा एक भी कभी इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। आप ये बताइए ना, जितना भी आप उत्तर प्रदेश में काम देखिए, सारा अखिलेश जी का ही तो किया हुआ है। एलिवेट रोड देख लीजिए आप, विश्वविद्यालय देख लीजिए, हॉस्पिटल देख लीजिए, और ये क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर देख लीजिए, बिजली का सारे कुछ उनका किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ रिबन काटने का काम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी मुद्दा है आप लोगों के लिए?
बेरोजगारी, एकदम बेरोजगारी जी। हम यहाँ बच्चे को परेशानी हो रही है, हमारे घर में तो बच्चे घर में ही बैठे हैं, फीस नहीं जा रही है, तो बताओ गरीब आदमी क्या करेगा। 1000 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, रोज का कमाने वाला, रोज का खाने वाला कहाँ से लेके आएगा। आप बताइए मोदी जी आकर वहाँ पे बैठे, सिलेंडर से खाना बन जाएगा क्या, उसके लिए गैस के लिए पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। 1000 रुपये का सिलेंडर है, बताओ गरीब आदमी क्या कमाएगा, रिक्शा वाला क्या कमाएगा। रोज का खाना, रोज का कमाना हो रहा है हमारा, हमारे बच्चों तक की फीस नहीं जा रही है, हमारे बच्चे घर में पड़े हुए हैं, ये बताओ मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमने मोदी जी हम बदलाव चाहते हैं, अखिलेश जी को ले आना चाहते हैं, अखिलेश जी अच्छा विकास कर रहे थे, करेंगे वही लेके आए। किसको वोट दी थी आप इससे पहले? पहले मोदी जी को वोट दी थी हमने, सोच कर दी थी कि मोदी जी, ये सोचा था कि मोदी जी हमारे लिए अच्छा विकास करेंगे, अच्छा वो करेंगे। उन्होंने तो गरीब आदमियों को और मार दिया, फुटपाथ पे कुछ नहीं छोड़ा, फुटपाथों पे बताओ कोई एक रोजगार नहीं छोड़ा है, बताओ क्या करेंगे गरीब आदमी। कंपनियों से निकाल दिया गया है कि भाई यहाँ से निकलो, तो बताओ क्या करना चाहिए आप बताओ। हम तो वोट अब अखिलेश जी को देंगे और आप बार बार देंगे, अब हम मोदी जी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। खाली सिलेंडर नहीं चाहिए हमें, विकास चाहिए, विकास महिलाओं की सुरक्षा, बदलाव चाहिए महिलाओं की सुरक्षा का कोई मुद्दा है? जैसे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगर रात के 12 बजे भी आप गहना पहन के निकलती हैं तो कोई आपको लूटेगा नहीं, झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठे, बिल्कुल झूठे। रात के 12 बजे की बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी अगर कोई थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी पहन के निकलती है तो उसको भी छिनट के भाग दे। अभी यहीं पे लगी हुई है पुलिस की गाड़ी, कल भी देखा मैंने, क्यों लगी हुई है पूछा गया वहाँ पे, तो कहते कि अभी यहाँ पे किसी की छिनताई हो गई है। ये झूठ बोलते, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते, 4.5 साल में इन्होंने झूठ के सिवा कुछ काम नहीं किया। तो क्या कहते हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा है इस बार? बिल्कुल क्यों नहीं है, वो तो कह रहे महिलाएं बहुत सेफ हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सेफ नहीं है, आप देखिए यहाँ हाथरस कांड देख लीजिए आप, नए नए रोज कांड हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ना तो दिन में सुरक्षित है ना रात में सुरक्षित है। स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी अभी स्कूल खुले हैं नहीं, और आए दिन कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है, तो फिर कहाँ सुरक्षित है महिला। चलिए बहुत शुक्रिया, ये महिलाएं थी जो अपने मुद्दे को बता रही हैं, किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ गई है और फिर गैस सिलेंडर लगातार बढ़ता जा रहा है दाम, तो इनके रसोई पर भी फ़र्क पड़ा है। जो चीज़ें पहले आसानी से मिल जाया करती थी कम पैसे में, वो आज चीज़ महंगी हो गई है, तो इनके घर पर खाने पीने में हर चीज़ में फ़र्क। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगी जो चीज़ पहले थी वो चीज़ अब नहीं है, इसके लिए मैं 2 लाइन आपको सुना रही हूँ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अच्छा एक सवाल और आपसे होगा कि उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर वोट होती है, वोट होता है, धर्म को लाया जाता है, तो क्या ऐसा इस बार चलेगा ऐसा मुद्दा? बिल्कुल इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव जी को हम लाना चाह रहे हैं। बहुत दुखी हो गई पूरी जनता, पूरा उत्तर प्रदेश, एक ही एक मात्रा है कि सिर्फ अखिलेश जी को साइकिल ही आएगी। बहुत दुखी हो रही है जनता, हमारी पेंशन, विधवा बहनों की पेंशन काट दी गई, अब बड़े बूढ़ों के लिए कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो ये बताओ अखिलेश जी ने सब कुछ दिया था हमें, पर इन लोगों ने सब कुछ छीन लिया हमारा, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, यहाँ तक कि हमारे थोड़े बहुत जमा पूंजी थी वो भी इन्होंने निकाल के ली, तो हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अखिलेश यादव जी चाहिए, मोदी जी हमें विकास चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए कि महिलाएं हैं जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करी थी इस उम्मीद से कि ये सरकार आएगी, विकास करेगी और इनके जो मसाइल हैं वो उठेंगे और बदलाव आएगा, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम जो सोच कर वोट दिए थे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, इसलिए हम इस बार बदलाव चाहते हैं और इस सरकार को बदलना चाहते हैं, दूसरी सरकार को लाना चाहते हैं। इनके जो मुद्दे हैं महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, कह रही जिस तरीके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि रात के 12 बजे भी आप निकल जाओ तो आपको कोई टच नहीं करेगा, लेकिन बता रही कि कल ही की घटना है साहिबाबाद में पुलिस लगी और लोगों के साथ डेली ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी गृहमंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधर गई है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा 2022 में बदलाव होगा या नहीं, सरकार बदलेगी या नहीं। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें, भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com